आज हम आ रखे हैं अनंत वासुदेव मंदिर भुवनेश्वर के अंदर, ओल्ड टाउन के अंदर। आपको दिखाएंगे यहाँ पे जो भोग चढ़ाया जाता है, दाल और चावल का जो मेनली चढ़ाया जाता है, साथ में और वेजिटेबल्स मिक्स की जाती है। ये देखो, तो यहाँ से जो भोग बनाकर वहाँ पे जो मार्केट है वहाँ पे बेचा जाता है, बाहर इसको बेचा भी जाता है। चना पनीर चना पटोल इसमें चावल सर्व किया था तो एक बार सर्व करने वाले उसको तोड़ देंगे, दोबारा रीयूज नहीं होगा, उसी टाइम तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि ये भगवान को पहले चढ़ाया जाता है तो बार बार झूठा उससे नहीं दे सकते। अच्छा, पत्ता लेके आना पड़ेगा पहले, वो खाना ले जैसे बूफे में होता ना प्लेट लेके आनी पड़ेगी, वैसे यहाँ पहले पत्ता लेने आना पड़ेगा। पत्ता लेके आते हैं पहले, तो ये पूरा बनाना का पत्ता, केले का पत्ता, इसमें क्या है, नमक है, मिर्ची, नींबू, सबसे महंगा वाला चीज है, नींबू, मिर्ची और नमक। तो सबसे पहले इसमें डालेंगे राइस, प्लेन राइस, प्लेन राइस। ये नमकीन राइस, नमकीन राइस, आप खाओ आप जान जाओगे। ये मीठा दाल, ये मीठा चावल, मूंग दाल और साग से बनता है। अच्छा, मूंग दाल और साग का मिक्स। घंटो तरकारी, घंटो तरकारी, घंटो तरकारी, तरकारी, तरकारी होता है ना, तरकारी। तो इसमें हर टाइप का वेजिटेबल्स लगा सर, मस्टर्ड का एक डिश चाहिए। अच्छा, मस्टर्ड का सीड की सब्जी, चना पनीर, यहाँ रोटी नहीं मिलेगा पूरे मील में, राइस मिलेगा, चना पोटल, चना पोटल, फ्रूट सैलड, इर्दे भी, इर्दे जो, हाँ ना पाचड़ी ना, हाँ ये पाचड़ी से फ्रूट सैलड, ये चटनी आम का खट्टा है। तो ये पूरा हमारा जो है मील कंप्लीट हो चुका है। देखो ये घंटा तरकारी, घंटा तरकारी, मीठी दाल, मीठी दाल, मीठा चावल, नमकीन चावल, प्लेन राइस, छोला पनीर, छोले पनीर, छोला पोटर, और ये बेसारा, बेसारा, ये खट्टा, आंबा खट्टा चटनी, ये पाचेड़ी, जो फ्रूट सैलेड, फ्रूट सैलेड और नींबू, मिर्च, नमक। ये पूरा ओवरऑल मील कंप्लीटेड है। ये 150 का ये अनलिमिटेड रहेगा पूरा, 150 रुपीज में। आप भी अगर भुवनेश्वर में आए तो ओल्ड टाउन में अनंत वासुदेव मंदिर में आके जरूर एक बार अपना एक मील खाइए। तो देखो पूरा यहाँ पे सब लोग आ रखे खाने के लिए, बहुत ही बढ़िया।